गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग के अंदर। तो मैं रात को अकेला ही सो रहा था, दो दिन हो गया मेरे को अकेले सोते हुए, क्योंकि ओवरफुल मैंने वो सोता है, यहाँ पे एक कैफे है उसके अंदर, वहाँ पे जाके सो जाता है। बोलता है यहाँ पे हवा नहीं लगती है, ऐसे नहीं लगता है, गर्मी ज़्यादा लगती है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं तो यहीं पर सोना पड़ेगा, क्योंकि अपने गब्बर के पास सोना भी ज़रूरी है। तो ये देखो सुबह सुबह बीच के ऊपर ये खड़ा अपना गब्बर, सुबह सुबह का बीच का व्यू देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत मस्त है। हवा बहुत खूब बहुत अच्छी चलती है यहाँ पे, और सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम होता है तो यहाँ पे घूमने के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन आज मॉर्निंग से ज़्यादा हो गया है क्योंकि मेरे को जाग नहीं आई आज। ये देखो सूर्यदेव कहाँ पे निकल चुके हैं, 7:30 बज चुके हैं। जो मॉर्निंग में सैर करने के लिए आते हैं वो सुबह जल्दी आते हैं, मतलब 5 बजे आते हैं। 5 बजे तो अपने वैसे भी नहीं उठते, आपको पता है 10-11 बजे सोते हैं तो 5 बजे नहीं उठा जाता। तो गाइज एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो प्रॉब्लम ये है कि अपना ट्रैक्टर जंग पकड़ना स्टार्ट कर गया है, क्योंकि हवा इतनी नमकीन चल रही है ना, नमक के पानी की हवा चल रही है, समुद्र में नमक ज़्यादा होता है तो नमक की वजह से अपना ट्रैक्टर जंग पकड़ना स्टार्ट कर गया है। ये देखो यहाँ से फिल्टर जंग पकड़ गया, ये पाइप, ये नट बोल्ट, जितने भी नट बोल्ट है ना सारे जंग पकड़ रखे हैं। मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए हमें समंदर के ऊपर, 7 से 8 दिन हुए, 8 दिन के अंदर ही ये इतना जंग पकड़ गया है ना, तो ये बहुत गलत हो रहा है। क्या कर सकते हैं, वैसे यहाँ से निकल ही सकते हैं और कुछ नहीं है, तो देखते हैं कल निकलेंगे अपने यहाँ से और आगे रवाना होंगे कन्याकुमारी के लिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारा सफ़र चल रहा है ट्रैक्टर के ऊपर, पूरे ऑल इंडिया का टूर हम ट्रैक्टर के ऊपर कर रहे हैं। ये अपना इंडिया का पहला ट्रैक्टर है जो ऑल इंडिया ट्रैवल करेगा, आपके गांव में भी आएगा, आपके शहर में भी आएगा, हर जगह आएगा। तो प्लीज़ आप ढेर सारा प्यार बना के रखो, दबा के रखो। बहुत सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं और आज हलवा बन रहा है और क्या बनेगा, पोहा बनेगा। ये हमारी सिस्टर है, माय न्यू सिस्टर। आपका क्या नाम है? मोक्ष। ये मोक्ष देते हैं सभी को। और पहले बन रहा है पोहा बन रहा है, उसके बाद आज बनेगा हलवा, गाजर का हलवा, नॉर्मल हलवा। ये देखो यहाँ पे पोहा के लिए ये ये मसाला बन गया है और ये अपने पोहे तैयार हो रहे हैं। इसलिए मैं टाइम सेव कर रहा हूं। दोस्ती हो गई है इस कुत्ते के साथ। ये और फुल मैन की अंग्रेजी है, ये देखो। बट यस मेक द बिरयानी। के क्या मतलब केका। ये क्या बोल रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? टी केका। क्या केका केका केका। इतनी करारी भूख लगी हुई है कि ये कच्चा ही खा रहे हैं। यू हंग्री? तेरी वाली इंग्लिश सुननी है। All Indian boys respect for Indian girls and foreigner girls respect and don't परेशान ना किका। वो दो सर और आ गए हैं हमारे। परेशान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परेशान को परेशान करना किसी को परेशान ना डिफिकल्टी बोले। हेलो सर, कैसे हो? I'm good. How are you? Fine. बॉल उछालने की ट्रेनिंग चल रही है अभी। तो गाइज हमारे पास बर्तन है ना, वो थोड़े से छोटे पड़ गए थे, तो ये देखो बंदे ज़्यादा हो गए हैं और बर्तन कम पड़ गए थे, तो इसलिए बर्तन लेके आए हैं और बिरयानी बनाने के लिए। फुलमैन भाई अभी हलवा बनाने के लिए जल्दी जल्दी देसी घी डाल रहा है। देसी घी है भाई पतंजलि का। और ये इधर सब्जी कटिंग हो रही है बिरयानी बनाने के लिए, और ये इंग्लिश में बातें कर रही है, हमें अब कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये दोनों इंग्लिश मैन इकट्ठे हो गए हैं। तो और इधर ये पोहा खा रहे हैं, आटे का हलवा और क्या किया जाए।
समझ में ऐसे नहीं आ रहा है क्योंकि बर्तन हमारे पास बहुत छोटा है और बंदे करने वाले ज्यादा हैं। बर्तन तो कम होने की वजह से, बर्तन कम हो छोटा होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कभी पानी डाले कभी घी डाले, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पे बिरयानी बनने के लिए ये देखो मसाला मसूला सब तैयार हो रहा है और अभी यहाँ पे सिलेंडर पे पक रहा है क्योंकि बाहर तो बन रहा है अपना वो हलवा बन रहा है बाहर, तो उसके लिए यहाँ पे एक सिलेंडर पे एक बार थोड़ा सा मतलब फ्राई कर लेंगे उसके बाद वहाँ पे बनाएंगे। आई एम एक्चुअली कुकिंग बिरयानी, सो दिस इज अ वेजिटेरियन बिरयानी। नाउ आई एम जस्ट फ्राइंग ऑनियंस। बिफोर ऑनियंस आई एडेड सम घी एंड एड सम स्पाइसेस लाइक कार्डमम, क्लोव, बे लीफ। सो द प्रोसेस इज गोइंग ऑन नाउ, इट्स ऑनियन। Next after onion, once it's fried properly, okay. I'll add some other vegetables and yeah, it goes on like that. Thank you. तो दोस्तों मैं आया हूँ अभी पानी लेने के लिए क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे बर्तन साफ करने के लिए पानी वगैरह नहीं है तो यहाँ पे ये नलका लगा हुआ है, यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं और बर्तन बुर्तन भी साफ करने होते हैं तो पानी बहुत सारा चाहिए। ये देखो ये खड़ा अपना गब्बर और आज काफ़ी बंदे आए हुए हैं तो बड़ी खुशी हो रही है। ये अपना गब्बर आ गया और फुल मैन भाई अपना हलवा पेश कर रहा है। हलवा टेस्ट ठीक है, वेरी टेस्टी, तू अच्छा ही बनाएगा। उसमें एक फॉरेनर है so she cannot eat all the masalas, okay, they don't like all the spicy masala, so I'm just going with one. No, it's eating spicy, she's eating, but still when we make biryani to get the correct taste bud, like the correct taste, because they have pulav there, so this biryani is equal to that, like similar to that, so taste bud I'm trying to match it, okay. Thank okay you. ये देखो तो गाइस मसाला तैयार हो रहा है, मैं पानी लेने चला गया था और I'm going to खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। गार्लिक मींस अदरक, या ओके, जिंजर मींस लहसुन, यस लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है इसके अंदर क्योंकि हमारे पास कूटने के लिए नहीं था कुछ भी तो ये पेस्ट लेके आ गए। तक पूरा करके कैरामलाइज किया इसलिए ना ये साइड का कलर आ गया ना इस तरह। मैं तुम्हारा फोटो वीडियो बनाता हूं, मुझे सेंड करना। एक-एक लाइन में ना एक बात पूछता हूं, क्या ये एक-एक लाइन में आप मेरे साथ रहे हो, इनके साथ रहे हो, इनके साथ रहे हो ना, एक-एक लाइन में हमें वो कर दो, एक्सप्लेन करो हम कैसे लोग हैं, खतरनाक इसका बिहेवियर ऐसा मेरा ऐसा ऐसे बताओ, आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, ऐसे बताओ एक-एक लाइन बताओ। भाई अजय तू जट है, जट मतलब जट, तेरे को बस अपना ना एक लक्ष्य देख लिया और बस उस पर निकल लिया ना, और सब कुछ तेरे को चाहिए, सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन, क्योंकि तेरे को अभी बहुत कुछ आगे लोगों को बताना है ना, समझाना है, तेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा तेरे को लगता है, बहुत सारे लोगों की जवाबदारी है। और अपना भाई तो कह रहा है जिंदगी बस रोज अच्छी होनी चाहिए ना, बाकी तो सब ठीक ही है चल रहा है। रोज मतलब तीन चार इधर उधर से लोग आए बातें करे फोन करे, बस जिंदगी अच्छे से चलती रहे। अभी देखिए उस हिसाब से डालेंगे, बस निकाल, बस पहले कुछ ना बचा है। रुको, इधर करो इसे, रुको 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 रुको, गिरेगा गिरेगा, अरे गिरेगा, रुको, ये आधा ही है फ्राई, इसलिए कर रहा हूँ ये बैठेगा, वो फूलेगा नहीं, ऐसा फ्राई होगा थोड़ा है ना, तो पुलाव जैसा बिरयानी होती है। बस वो पानी डाले अभी इसके ऊपर, एक मिनट तक आप कर लो, देखो ये मसाला जम रहा है, बस पानी डालो इधर, किधर पानी डालो इधर, बस आप कर दो पूरा भरने का, वो ओवर कुकिंग हो जाएगा। ये देखो हमने झूला लगा लिया है
लेकिन ये झूले में सो के यार बड़ा अच्छा लगता है। जो मैडम अपने साथ आई हुई हैं, ये उनका है। गाइज अपने को भी एक ऐसा झूला ले लेना चाहिए क्योंकि सोने के लिए बहुत बढ़िया है, आराम से मस्त सोते रहो। ये देखो जिधर जाओगे तुम कभी नगमा बन के कभी मन के आंसू कभी नगमा बन के कभी बन के आंसू तड़पता रहे तड़पता हुआ मुझे पाओगे तरस पाओगे तुम। तो गाइज ये फाइनली अपनी बिरयानी बनके तैयार हो गई है, देखो क्या मस्त लग रही है यार खाने में, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो खाने में बड़ी अच्छी होगी। तो यहाँ पे लंगर बन गया है, लंगर बन के तैयार है। वेज बिरयानी लंगर क्या क्या बोला है लंगर लंगर बीच में अट गया था। चमचे दिखा दे, चमचे वो दिखाई करे। अरे आप खाओ। तो अभी ये भाई और मैडम दोनों जा रहे हैं। तो गाइज आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत अच्छा था, भाइयों का ढेर सारा प्यार मिला और बहुत अच्छी अच्छी कुकिंग की, दो तीन तरह का पकवान बनाए और सुबह इससे भी अच्छा प्रोग्राम है रखा है हमने। तो कल का व्लॉग भी और ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि बीच के ऊपर हम चूल्हे से घर की रोटियां बनाते हैं या घर का खाना, घर के बिल्कुल सेम डिटो घर जैसा खाना बनता है, तो वो भी एक अपनी अलग वाइब होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जैसे कि आज 5-6 जने हम इकट्ठे हो गए थे, तो सुबह आप देखना कि 8-10 इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि हमें इतना सारा प्यार मिल रहा है और आपका सपोर्ट हमारे साथ रहेगा तो हम और ज़्यादा बढ़िया से मतलब इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेट होते हैं और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इतना लंबा टूर कर रहे हैं तो आपके सपोर्ट के बिना ऐसा संभव नहीं है। तो आप भी सपोर्ट बना के रखो और वीडियो को लाइक करो और अपने जितने भी दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सबको हमारी वीडियो शेयर करो ताकि हम एक जो हमारा सपना है ऑल इंडिया घूमने का और हर एक चीज़ एक्सप्लोर करने का वो अच्छे से पूरा कर पाएं। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।